हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए कि तो वीडियो को हमारे लाइक और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पूरी देखना ताकि आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में सारी कुछ डिटेल्स मिल जाएँ, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। और आपने अगर किरचॉफ लॉ का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं आई बटन में ऊपर दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अब पढ़ना है, तो देखें कौन कौन से। तो सबसे पहला है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। दूसरा है हमारे पास मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। तीसरा है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। इंटू एमीटर चौथा है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है इस वीडियो में तो हम पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक बार इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला है पोटेंशियोमीटर, दूसरा हमारे पास मीटर ब्रिज, तीसरा हमारे पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और चौथा है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, वह है पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट हमारे पास है वह पोटेंशियोमीटर। तो फर्स्ट हमारे पास है पोटेंशियोमीटर, नाम से ही डिफाइन है। पोटेंशियो मीन्स पोटेंशियल, और मीटर मीन्स मेजर, ऐसे आप बोल सकते हैं मेजर। नाम से क्लियर है, ये जो है पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल को मेजर करता है। आप ये पूछेंगे पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, हाँ वोल्ट मीटर हम यूज़ करते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर से मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हम मोस्ट एक्यूरेट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप ये भी पूछेंगे कि अगर मोस्ट एक्यूरेट यूज़ कर सकते हैं तो हर जगह हम पोटेंशियोमीटर ही घुसा देंगे, वोल्ट मीटर का तो काम ही खत्म हो जाएगा। नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज होता है, कहीं भी आपको ले जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। इतना बड़ा एक लकड़ी का होता है, उसी में बना होता है, ठीक है, तो बहुत बड़ा होता है। और वोल्ट मीटर जो होता है वो स्मॉल साइज होता है, कहीं भी आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसके बारे में भी, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, मेजर पोटेंशियल, ये जो है ये पोटेंशियल को मेजर करता है, ठीक है। अब ये देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में की जो लेंथ होती है वायर की लेंथ, वो जो वायर की जो लेंथ होती है वो 4 to 10 मीटर के बीच में होती है, ठीक है। जो पोटेंशियोमीटर में जो वायर यूज़ होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 4 to 10 मीटर की लेंथ होती है।
और इसमें जो वायर यूज होती है वो कॉन्स्टेंटिन या मैग्निन की वायर होती है। मैंगनीन। अब ये आप पूछेंगे कि यहाँ क्यों कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नीन की वायर ही क्यों यूज़ की जाती है, तो इसके पीछे रीज़न है। जब हम रेजिस्टिविटी पढ़े थे, जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला केस, तो वहाँ पर देखते थे कि थर्ड वाले पार्ट में एलॉय जो था वो टेम्परेचर अगर यहाँ पर इंक्रीज करें तो ये जो वायर है कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन, इनकी रेजिस्टिविटी में चेंज होता ही नहीं है, यानी इसका रेजिस्टेंस चेंज होता ही नहीं है, तो इसलिए इसका हम यूज़ करते हैं। बाई चांस अगर करंट फ्लो करवा रहे हैं, थोड़ी सी हीट दिए, अब क्या होगा, थोड़ी सी हीट देंगे अब रेजिस्टेंस कुछ दूसरा आने लगेगा, जो मेज़र करेंगे वो आएगा नहीं, आके कुछ दूसरा आने लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ जो वायर यूज़ करते हैं ये कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन की वायर होती है, जिसकी रेजिस्टिविटी बड़ी हाई होती है। ठीक है, और भी देख लेते हैं एक बार कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ए लॉन्ग वायर ए लॉन्ग वायर फ्यू मीटर का, ठीक है, ए लॉन्ग वायर इतना हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी जो वायर होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, यूनिफॉर्म में सेम होता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं बनता कैसा है। जो हम यूज़ करेंगे ऐसे, बड़का सा बैटरी लगा दी यहाँ पर, एक वायर है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका एरिया यूनिफॉर्म है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हम इसे बी मान लेते हैं। ये वोल्टेज वी का अगर है तो यहाँ पर जीरो पोटेंशियल, यहाँ पर वी पोटेंशियल, तो इस पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल, यहाँ पर वी पोटेंशियल। ये जो वायर है ये अप टू एल लेंथ का होता है, ठीक है, ये एल लेंथ का होता है, मान लेते कुछ मीटर, जो 4 से 10 मीटर के बीच में होता है। अब बुक में तो ऐसे दिखेगा ही नहीं, ठीक है, बुक में कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। बुक में कॉपर की स्ट्रिप होती है, बुक में जो होती है ऐसे होती है, हम एक एंड, यही दोनों पार्ट, एक एंड को ए मान लेते हैं और दूसरे वाले एंड को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या, एक बैटरी कनेक्ट है, यही है। इसमें आप लैब वगैरह में देखे होंगे, इसको कैसे करते हैं कि एक बड़ा सा बोर्ड होता है, ठीक है, उस पर ऐसे ऐसे बना होता है, आप लैब में देखे होंगे, स्कूल में ऐसे होता है, इसी को ही बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। ये किस लिए यूज़ करते हैं, पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए, मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। एक बार इसका फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं, कैसे ये है, क्या करता है, कैसे, ठीक है। चलो, तो पोटेंशियोमीटर नाम से ही कंफर्म है कि ये पोटेंशियल को क्या करता है, मेज़र करता है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो होता है इसकी जो वायर होती है वो 4 से 10 मीटर के बीच में होती है, और जिसमें जो वायर यूज़ किया जाता है वो कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन की वायर यूज़ किया जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इस वायर में अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, ठीक है, इस वायर में अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, ठीक है, तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वायर की क्या होती है, सेम होती है। अब कंस्ट्रक्शन पे देख लेते हैं, ए वायर फ्यू मीटर का कुछ वायर होता हैज़ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। हम जो बनाएंगे क्वेश्चंस वगैरह में यही बनाएंगे, लेकिन बुक्स में ऐसे भी दिया होता है, आपको बुक वाली भी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन तो हो गया, अब प्रिंसिपल दिखा देते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल देख लेते हैं। वो प्रिंसिपल नहीं स्कूल वाला, प्रिंसिपल में सिद्धांत वाला, वो पी ए एल होता है, इसमें पी एल ई होता है। प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल लिख लेते हैं, एक कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, एक करंट, ठीक है, एक कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ द वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली डायरेक्टली जगह छोटा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द फायर, ठीक है। इसका प्रिंसिपल जो है वर्क करता है, मीन्स अगर योर क्रॉस सेक्शन एरिया, जो वायर की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। एक कांस्टेंट करंट, ठीक है, एक कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर, मीन्स ये है, बड़का सा बैटरा लगा दिया यहाँ पर, यहाँ पर पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी मान लेते हैं। देखो द यूनिफॉर्म, ठीक है, द यूनिफॉर्म करंट फ्लो थ्रू, द कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर, मीन्स इसके वायर के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर उसकी लेंथ को इंक्रीज करें, ठीक है। मीन्स जितना ज़्यादा वो लेंथ इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा उसके पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों वायर के बीच में, इन दोनों वायर के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। मीन्स अगर लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे तो दोनों वायर के अलॉन्ग जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। कैसे होगा ये भी देख लेते हैं एक बार, कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हम तो बोल दिए कि इंक्रीज़ होगा, अगर लेंथ को इंक्रीज करें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ होगा, बट ज़रूरी है करना। उससे क्या होगा, जब चीज़ों को थोड़ा सा हम प्रूव करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। अब ओम्स लॉ से देखते हैं, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक। वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, V is equals to I, R की वैल्यू क्या होता है, रेजिस्टिविटी, L by A। यूनिफॉर्म करंट, मिस करंट तो कांस्टेंट है, मेटल की जो रेजिस्टिविटी होगी, जो वायर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो भी कांस्टेंट होगा, और बोला यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, मीन्स क्या ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये वाला I into rho upon A वो तो कांस्टेंट है, तो अगर v इक्वल्स टू के एल करेंगे तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी, अगर ये इक्वल टू है, अगर k को हटाएं तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l होगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l होगा, ठीक, तो यही होगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल के बाद एक टर्म्स आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसके बारे में भी देख लेते हैं, उसके बाद उसके एप्लीकेशन पे आएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है,
ये हो क्या होता है यहाँ पर, एक वायर है पोटेंशियोमीटर की, जिसकी लेंथ कितनी है, एल दी हुई है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है। एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी वायर की जो लेंथ है वो एल मीटर है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। अगर यहाँ आपको देखना हो, यहाँ पर उसका पोटेंशियल वी है, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर वी हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, यहाँ पर वी। अगर हम आपसे बोलें, ठीक है, एल लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप वी हो रहा है, ठीक है, ये एल लेंथ ही तो है, एल लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप बी हो रहा है, वी हो रहा है, तो वन लेंथ में कितना हो जाएगा, एक यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, वी बाई एल, ठीक है। ठीक है, तो अगर एल लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वी, तो वन यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, वी बाई एल। तो अगर हमें, मान लो इस पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट इतने डिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो एक्स एक्स डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो वी वाई एल इंटू एक्स हो जाएगा। एक आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, मान लेते हैं 10 मीटर वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कितना हो रहा है, वी हो रहा है, ठीक है। 10 मीटर वायर में पोटेंशियल ड्रॉप वी हो रहा है, वो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। 10 मीटर वायर में हम मान लेते हैं जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वी हो रहा है, तो 1 मीटर वायर में कितना ड्रॉप होगा, वी बाई 10। अगर हम आपसे बोले 3 मीटर वायर में पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करिए, तो 3 मीटर वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी बाई 10 इंटू 3, क्योंकि एक का निकल गया है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का पोटेंशियल ड्रॉप निकल जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता है बेसिकली, पोटेंशियल ड्रॉप यही है, इसी को ही पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इसको कैसे कैसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अगर कहीं भी ग्रेडियंट है तो समथिंग बाय लेंथ हो जाता है, ठीक है, और अगर कहीं भी रेट दिया हुआ है तो समथिंग बाय टाइम हो जाता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, बहुत काम आएगा। कहीं भी पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है, कुछ भी ग्रेडियंट दिया है, तो समथिंग बाय लेंथ, और रेट का मतलब क्या होता है, समथिंग बाय टाइम, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि काफ़ी कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा टॉपिक में, ठीक है। यहाँ पर क्या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो इसके तीन तीन एप्लीकेशन हैं। पहले पहला देख लेते हैं, पहला एप्लीकेशन क्या है, टू मेज़र ई एम एफ ऑफ ए सेल, ठीक है, टू मेज़र ई एम एफ ऑफ ए सेल, ठीक। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी सी बैटरी है, ठीक है, यहाँ से ये पोटेंशियोमीटर के जो वायर है इसकी लेंथ है ए, ए पॉइंट ए भी मान लेते हैं, इस पर वोल्टेज ड्रॉप वी है, यहाँ पर जीरो है, टोटल वी है, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप जीरो, यहाँ पर कितना हो जाएगा वी, यहाँ से एक सेल कनेक्टेड है जिसका ई एम एफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर मान लेते हैं, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, स्मॉल मेजर स्मॉल करंट, ये बहुत से छोटे करंट को मेजर कर लेता है, ठीक है, 10^-3 एम्पेयर तक के करंट को ये मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक नल पॉइंट सपोज कर लिए, यहाँ पर आया है पॉइंट सी पर, ठीक है, यहाँ पर जे जॉकी, जॉकी क्या होता है, किसी वायर के आगे
छिल देते हैं और ये इस वायर पे ऐसे टच करवाते हैं जहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे। अब देखते हैं कैसे ये चीज़ होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है, उससे कोई एक बैड सेल कनेक्ट किए जिसका ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक, अब यहाँ पर देखें एक जॉकी एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किए जो कि डिफ्लेक्शन को मेज़र कर रहा है। ठीक है, अगर अगर बात करें अगर हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आओ देखते हैं। जैसे ये पॉइंट को हम टच करवा रहे हैं, मान ली यहाँ टच करवाए तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इधर दिया, इधर टच करवाए तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इधर दिया, और उसके बीच में कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर है डिफ्लेक्शन देगा ही नहीं। डिफ्लेक्शन देनेगा ही नहीं, इसका मतलब क्या है, उसमें से करंट नहीं फ्लो होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, मिस इसकी जो सिंबल है स्ट्रेट है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो करंट है इस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस वायर में करंट फ्लो कब नहीं होगा, जब एसी का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर एक्स वाई का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में भी तो वही करते थे, दोनों एंड पे जो क्या होता है पोटेंशियल सेम हो जाता है तो कोई करंट फ्लो होता ही नहीं है। तो वही केस यहाँ पर भी होगा अगर ये डिफ्लेक्शन देगा नहीं। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा नहीं तो पोटेंशियल इस दोनों पॉइंट्स पर और इस दोनों पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल जो होंगे वो सेम हो जाएंगे। इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ए बी का जो पोटेंशियल होगा ए सी का वो पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई के। समझ में आ रहा है ना, अगर ये गैल्वेनोमीटर ठीक है डिफ्लेक्शन देगा नहीं तो इसका मतलब है उसमें से क्या करंट फ्लो नहीं होगा। अगर उसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो दोनों एंड पे जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा, ताकि जब दोनों एंड पे जो पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उसमें से करंट फ्लो होगा नहीं। तो यहाँ पर इस दोनों एंड पे और इन दोनों एंड पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो यानी वी ए सी इक्वल्स टू वी एक्स वाई। वी ए सी का पोटेंशियल कैसे निकालते थे, अब मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स मीटर है। तो हम अभी थोड़े से पहले किए हुए थे कि एल लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, वी हो रहा है। तो वन लेंथ में कितना हो जाएगा, एक लेंथ में वी बाई एल हो जाएगा, और एक्स लेंथ में कितना हो जाएगा, वी बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स लेंथ में जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वो वी बाई एल इंटू एक्स, ये किसके हो जाएगा, बैटरी के ईएमएफ के। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बैटरी के ईएमएफ के। ठीक है, अब एक और हमारे पास है, पहले इस पे क्वेश्चन देखें क्या, एक चलो देख ही लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है और एक सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो वो कुछ मतलब क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं फाइंड फाइंड एक्स। ठीक है, फाइंड एक्स सच दैट द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, हमें एक्स की डिस्टेंस एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन देगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो इसमें से करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो करंट की वैल्यू अगर जीरो होगी तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, यानी पॉइंट ए यहाँ मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ये जॉकी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स या फिर ये वाई। ठीक है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ऐसे देखते हैं, यहाँ अगर करंट जीरो है ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा, क्यों, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल होगा वो 8 वोल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर ज़ीरो है क्योंकि यहाँ 20 वोल्ट की अगर बैटरी है, तो इस वाले टर्मिनल पर अगर ज़ीरो मान दे तो ज़ीरो यहाँ भी होगा, ज़ीरो
यहाँ भी होगा, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पर, इस वाले टर्मिनल पे 8 वोल्ट का डिफरेंस होगा, ठीक है। तभी तो बोलते हैं 8 वोल्ट का डिफरेंस, यानी यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 8 वोल्ट होगा। तो अगर कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर 8 वोल्ट यहाँ पर भी होगा, इस वाले पॉइंट पर भी 8 वोल्ट होगा, 8 वोल्ट होगा, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि एक्स लेंथ में हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, वो वी वाई एल इंटू एक्स करते थे इक्वल्स टू ई एम एफ, ठीक है, वो सेल का ई एम एफ। तो वी कितना है, 20/10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 8, 1, 1 और 2, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 मीटर। यानी एक्स की 4 मीटर पे जो वैल्यू होगी वो कोई गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, ठीक।